शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से वासुदेव का संहार करने के लिए स्वयं वासुदेव निकले, मतलब श्री कृष्ण का संहार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का निकलना। ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट domja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्यून ऑथेंटिक लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, चुनार देश का प्राचीन नाम करूप देश था और वहाँ के राजा का नाम था पौंड्रक। कुछ मानते हैं कि पौंड्र देश का राजा होने से इसे पौंड्रक कहते थे। कुछ मानते हैं कि वो काशी नरेशी था। तो चेदी देश में पुरुषोत्तम नाम से सुविख्यात था और इनके पिता का नाम था वसुदेव, इसलिए खुद को वासुदेव कहता था। कुछ लोग या कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है कहीं भी कि द्रौपदी स्वयंवर में भी उपस्थित था। कौशिकी नदी के तट पर किरात, बंग एवं पुंड्र देश पर इसका स्वामित्व था और बड़े मूर्ख और अविचारी था। पौंड्र के उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने यह बताया कि असल में वही परमात्मा वासुदेव और वही विष्णु का अवतार है और उसने मान लिया। लोगों ने कहा कि मथुरा का राजा कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो तुम हो। और यह सब देखकर पौंड्रक वंशीय वासुदेव भी आत्मविस्तृत होकर यह मानने लगा कि सचमुच मैंने वासुदेव रूप से इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। फिर तो उसने भगवान विष्णु के समान ही अपना वेश बना लिया, उन्हीं के तरह उसने समस्त चिन्ह धारण कर लिए। जब इससे भी उसका मन नहीं भरा तो अहंकार में आकर उसने द्वारका में श्री कृष्ण के पास अपना एक दूत भेज दिया और संदेश भी भेज दिया। अरे मुढ़ा, मतलब अरे मूर्ख, अपने वासुदेव नाम को छोड़ दो, मेरे जितने भी चिन्ह हैं सबको छोड़ दो और यदि तुम्हें जीने की इच्छा है तो मेरी शरण में आ जाओ, इस दुष्कृत्य के लिए मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। श्री दूत ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें कही। श्री कृष्ण ने उसे पहली बार तो ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। दोस्तों ने उस वासुदेव को, नकली वासुदेव को कहा कि कृष्ण तो ग्वाला है, पुराणों में उसके नकली कृष्ण का रूप धारण करने की कथा आती है। तो राजा पौंड्रक बिल्कुल नकली चक्र, शंख, तलवार, मोर, मुकुट, कौस्तुभ मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण भी कहता था। तो भगवान से कृष्ण पहले तो सीरियसली नहीं लिए, फिर बार बार उसने हरकत की तो उन्होंने दूत को मैसेज भेज दिया कि दूत, तो मेरी ओर से पौंड्रक से जाकर कह दो कि मैंने तुम्हारे कथन का सही सही भाव समझ लिया है, तुम्हें जो करना है सो करो, मैं अपने चिन्ह और वेश धारण कर तुम्हारे नगर में आऊँगा और निश्चय ही अपने चिन्ह सुदर्शन चक्र को तुम्हारे ऊपर छोड़ूंगा और तुमने आज्ञा करते हुए जो कुछ मुझे कहा है मैं उसे अवश्य पालन करूँगा और कहते हैं कि कल मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा। मैं तुम्हारी शरण में आकर वही उपाय करूँगा जिसे फिर कभी तुमसे मुझे कोई भय ना रहे। और कहते हैं कि दूत, तुम जाकर सारी बातें उसे कह दो। पौंड्रक का दूत श्री कृष्ण का संदेश लेकर चला गया। अब होता क्या, युद्ध की तैयारी शुरू कर देता हूं। पौंड्रक कृष्ण के विरुद्ध युद्ध की तैयारी शुरू करने लगा। अपने मित्र काशीराज की सहायता प्राप्त करने के लिए वो काशी नगर भी गया और ये सुनते ही कृष्ण ने ससैन काशी देश पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण आक्रमण कर रहे हैं ये देखकर पौंड्रक और काशीराज अपनी अपनी सेना लेकर नगर की सीमा पर आ गए। युद्ध के समय पौंड्रक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, वनमाना, रेशमी पीतांबर, उत्तरीय वस्त्र, मूल्यवान आभूषण आदि धारण किया था और वो गरुड़, मतलब जो उसका रथ था, गरुड़ के वो लगे हुए थे, फ्लैग जो होता है, झंडा, झंडा गरुड़ वाला था, उस पर आरूढ़ था। अब नाटकीय ढंग से युद्ध भूमि प्रविष्ट हुए इस नकली कृष्ण को देखकर भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत हंसी आई। उसके बाद युद्ध शुरू हुआ। अब युद्ध जब शुरू होता है तो फिर युद्ध तो प्रॉपर युद्ध था। श्री कृष्ण ने सारी चीजें दूर से देख ली, उन्हें हंसी भी आई क्योंकि वो नकली कृष्ण था, सारी की वेशभूषा वही उसने पहन रखी थी पौंड्रक ने। कुछ ही देर में श्री कृष्ण अपने वाहनों, गदा
और चक्र से पौंडरी की सारी सेना को नष्ट कर दिया। उन्हें देखते ही देखते काशीराज की सेना को भी अपलोक भेज दिया। इसके बाद उन्हें पौंडरक से कहा कि पौंडरक, तुमने अपना दूत द्वारा मुझसे कहलवाया था कि मेरे चिन्हों को छोड़ दो, अब मैं तुम्हारी उसी आज्ञा का पालन करता हूँ। और उस सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं, फिर गदा उसके ऊपर छोड़ देते हैं और गरुड़ को भी छोड़ देते हैं। सुदर्शन चक्र ने पौंडरक को विदीर्ण कर दिया, गदा ने उसे नीचे गिरा दिया और गरुड़ ने उसकी ध्वजा तोड़ डाली। और ये देख संपूर्ण सेना में हाहाकार मच जाता है। तो अपने मित्र का बदला लेने के लिए काशी नरेश श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। श्री कृष्ण ने अपना एक ही वाहन छोड़कर उसका सिर काट दिया और उस सिर को काशी में फेंक दिया। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पौंडरक तथा उसके मित्र काशी नरेश का वध करके द्वारका लौट जाते हैं। अब उधर काशी में राजा का सिर गिरा देखकर सारी प्रजा आश्चर्यचकित हो जाती है। उसके पुत्र को जानकारी मिलती है तो भगवान शंकर की तपस्या करते हैं। तो उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वर देते हैं जो मांगता है। वर ये मांगता है कि हे भगवान, आप हम पर कृपा करें, मेरे पिता का वध करने वाले कृष्ण का नाश करने के लिए आपकी कृपा से अग्नि से कृत्या उत्पन्न हो। कृत्या, भगवान शिव वरदान देकर अंतर्धान हो जाते हैं। अब वरदान के परिणाम स्वरूप अग्नि का ही विनाश करने वाली कृत्या उत्पन्न हुई। अब उसका कराल मुख ज्वाला मालाओं से पूर्ण तथा उसके केश अग्नि शिखा के समान दीप्तिमान और ताम्रवर्ण थे और वो क्रोध पूर्वक कृष्ण कृष्ण कहती हुई द्वारका पहुंची। जब श्री कृष्ण समझ गए कि भगवान शिव की उपासना कर काशीराज के पुत्र ने ही महाकृत्या उत्पन्न की है, तो उन्होंने अपने चक्र को आज्ञा दी कि इस अग्नि ज्वालामयी जटाओं वाले भयंकर कृत्या को मार डालो, और कहने के साथ उन्हें चक्र को छोड़ दिया। चक्र ने तत्काल कृत्या का पीछा किया। अब उस चक्र को मतलब कैसे वो सामना कर सकती थी। उस चक्र के तेज से दग्ध होकर छिन्न भिन्न होती हुई कृत्या अत्यंत वेग से भागने लगी। सुदर्शन भी उतने ही वेग से उसका पीछा करने लगा। भागते भागते कृत्या काशी पहुंची। जब कृत्या को बचाने के लिए काशी नरेश की सारी सेना चक्र के सम्मुख आ डटी, तब चक्र अपने तेज से सारी सेना को दग्ध कर कृत्या सहित सारी काशी को जलाने लगी, जिसमें सब के सब समाप्त हो जाते हैं। तो उसने काशी नरेश पुत्र को तत्क्षण भस्म कर देते हैं। तो ये युद्ध था श्री कृष्ण वर्सेस श्री कृष्ण, वासुदेव वर्सेस वासुदेव। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।